तो चलिए इस चमचम को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तब तक आपको पता चलेगा कि मैंने इसमें क्या क्या किया। बहुत ही आसान टिप से हमने बताया है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम चमचम बनाने के लिए चाशनी तैयार करना है। तो ये मैंने आधा कढ़ाई पानी लिया है और चीनी हमें लेना है 250 ग्राम। तो मैं चीनी अभी 250 ग्राम ही ले रही हूँ और मेरे पास पहले का चाशनी बचा हुआ है, तो उसे भी ऐड करूंगी। अब इसमें हम चीनी ऐड कर देते हैं। अब जब तक हमारा उधर चाशनी तैयार हो रहा है, हम इसे चमचम के लिए तैयारी कर लेते हैं। ये हमारा मावा, ये है छेना है, मैंने आधे लीटर दूध से इतना छेना निकाला है, घर पे ही मैंने निकाला। अब हम इसे एक प्लेट में डालेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच, छोटी चम्मच से कॉर्नफ्लोर या मैदा भी आप दे सकते हैं। उसी चम्मच से हम लेंगे सूजी, जिस चम्मच से हमने कॉर्नफ्लोर लिया उसी चम्मच से हम सूजी लेंगे, बस 1 चम्मच, जो कि हम बना रहे हैं हमारा चमचम ग्रीन कलर का, तो उसके लिए हमें ये फूड कलर है ग्रीन कलर का, तो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेते हैं। अब इसे अच्छे से हमें मैश करना है, जब तक कि चिकना ना हो जाए हमारा, एकदम हमारा जो छेना है चिकना करना है। अगर आप चाहें तो सादा भी बना सकते हैं, अगर आपको कलर देने का मन नहीं है तो आप प्लेन भी बना सकते हैं, लेकिन इसे बहुत ही अच्छे तरह से हमें मसलना है। और इस राखी में आप चमचम अपने घर पे ही बनाएं और राखी का आनंद उठाएं। तो मैं ये स्पेशल राखी के लिए ही बना रही हूँ, तो आप ताकि घर पे आसानी से, मार्केट से आपको नहीं लाना पड़े। तो ये देखिए, चाशनी हमारा उबाल आ चुका है, चीनी भी मेल्ट हो चुका है, तो ये बचा हुआ चाशनी है हम इसे डाल देंगे। तो ये देखिए, मैं इसको चाशनी को साफ रखने के लिए, हमें ये हाइड्रो पाउडर मिलता है मार्केट में, आप कहीं भी जाएंगे तो मिल जाएगा ये, तो मैं इसे बस थोड़ा सा हमें डालना है। तो हाइड्रो पाउडर की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, ये 1 पिंच हमारा है, बस इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिला दीजिए, आपकी चाशनी जो है एकदम वाइट रहेगी और अच्छा लगेगा देखने में। तो ये देखिए, मसल कर हमने इस तरह इसे गोला इसका कर लिया, आपको जितना बड़ा करना है। तो ये देखिए, इसे किस तरह हमें करना है, इस तरह गोल करके और थोड़ा सा इसे लंबा हम इस तरह कर देंगे, ये देखिए इस तरह। करके हम इसे रखते जाएंगे। तो ये देखिए, चाशनी में उबाल आने लगा है, तो अब मैं पहले एक डालकर देख लेती हूँ कि हमारे ये टूटता है कि नहीं। तो पहले आप एक डालिए, तो ये देखिए एक डालने पे हमारा टूट नहीं रहा है, यानी ये सक्सेसफुल है। तब अब सभी को इसी तरह डाल देंगे और हमें धीरे धीरे पानी, जब ये हमारा कम होने लगेगा तो इसके ऊपर हम पानी देंगे। तो पहले इसी तरह सारा हम डाल देते हैं हमारा। तो ये देखिए, अब मैं और फिर पानी देते जाऊंगी। इसे पकाने में हमें 20 मिनट लगा है और ये देखिए नीचे हमारा अच्छे से बैठ गया है, और बीच बीच में मैं इसे पानी देते जाती हूँ, और ये जब तक नीचे हमारा नहीं बैठ जाएगा तब तक हम इसे पकाएंगे। अभी और हम पानी इसमें देंगे, बस 5 मिनट में ये हो जाएगा हमारा। तो ये देखिए, अब ये हो चुका है, तो गैस के हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए नीचे हमारा ये बैठ चुका है, चाशनी के नीचे हमारा सभी छेना नीचे बैठ चुका है, ये देखिए। तो अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। अब इसके अंदर मावा भरने के लिए मैंने ये दूध का पाउडर से थोड़ा सा दूध डालकर और मिल्क पाउडर डालकर हमने इस तरह का मावा बना लिया है। आप चाहें तो बिना दूध का भी बना सकते हैं और मिल्क पाउडर का भी इस तरह मावा बना लीजिए। तो ये देखिए, मैंने इसे निकाल लिया है, इसे एकदम चाशनी नहीं रहना है। ये देखिए, ये अच्छे से सूख चुका है और अच्छे से ठंडा भी हो गया है। अब हम इसमें मावा डालेंगे। तो ये देखिए, बीच से इस तरह हमें कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह हम बीच से कट कर लेंगे। ये देखिए कितना जालीदार हमारा बना है। और अब हम इसके अंदर मावा भर देंगे। तो ये देखिए, सभी हमने मावा भर दिया है। अब हमें थोड़ा सा, ये हमारा नारियल का बुरादा है, थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए मैं इस पर दे देती हूँ, इस तरह स्प्रिंकल कर देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इस पर स्प्रिंकल्स कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर डेकोरेट के लिए थोड़ा सा टूटी फ्रूटी, या आपके पास चेरी है तो आप चेरी भी डाल सकते हैं, देखने में अच्छा लगता है और खाने में तो इसका कोई तौर नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है।
तो इसी तरह हम सारा डेकोरेट कर लेते हैं। तो ये लीजिए, अब हमारा चमचम पूरी तरह से रेडी हो चुका है और देखने में इसका लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही मार्केट जैसी लुक हमारी बन चुकी है। तो इस राखी पे आप चमचम को ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट्स करें कि कैसा बना है। और इसी तरह की आसान सी रेसिपी मैं आप तक लेके आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।